हेलो स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल को कंटिन्यू करते हुए आज हम बजट के कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके इस चैप्टर में। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल बजट, लेबर एंड लेबर कॉस्ट बजट, तो इस तरह के डिफरेंट बजट्स को हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से करना, इन टॉपिक्स को बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम करते हैं सेल्स बजट। इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज सेल बजट इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट बट इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। कि जो सेल्स बजट है इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेल्स बजट बनाना, लेकिन सेल्स बजट बनाना क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। यूजुअली सेल्स बजट इज़ द बेस फॉर ऑल अदर बजट्स। ऑल अदर बजट्स जो हम बना रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं, परचेज बजट बना रहे हैं, रॉ मटेरियल बजट बना रहे हैं, ये सारे बजट्स किस पर बेस्ड होंगे? सेल्स बजट पर बेस्ड होंगे। और अगर हमारा सेल्स बजट ही सही नहीं बना तो बाकी सारे बजट भी हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, बाकी सब बजट्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। अब देखिए, सेल्स बजट सबसे पहले तो होता क्या है कि हमको इतने टाइम पीरियड में, मतलब ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कितना हमें सेल करना है, ये चीज़ हम सेल्स बजट में डिटरमाइन करते हैं कि इतने टाइम पीरियड में हम कितने यूनिट्स की सेल करेंगे, कितने यूनिट्स हमको सेल करना है, ये चीज़ हम प्री डिटरमाइन करते हैं, पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं। अब देखिए, सुनने में इजी है कि कितने यूनिट्स की सेल करनी है, सिर्फ यही तो डिटरमाइन करना है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखेंगे, रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को देखेंगे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको सेल्स बजट बनाना होता है। दिस बजट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर बिकॉज, ये बजट बनाना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी टू एस्टिमेट द फ्यूचर डिमांड ऑफ कस्टमर्स। क्योंकि जो कस्टमर्स हैं उनकी फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट करना क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि कस्टमर कितना ख़रीदेंगे, हमारे बेचने पर डिपेंड करता है प्लस कस्टमर्स की डिमांड पर भी डिपेंड करता है। अगर हम अच्छे प्रमोशनल टूल्स लगा रहे हैं और अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं प्रोडक्ट की, लेकिन अगर कस्टमर्स की डिमांड ही नहीं है तो क्या कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट खरीद लेंगे? नहीं। तो हमारी सेल बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, कस्टमर की डिमांड क्या रहेगी, स्पेशली तब जब मार्केट में नया प्रोडक्ट आ जाता है। दिस बजट टेल्स अस हाउ मच सेल कैन बी मेड बाय बिजनेस टू इट्स कस्टमर्स ड्यूरिंग द बजट पीरियड। कि जो बजट पीरियड है, बजट पीरियड क्या है कि जितने टाइम के लिए हम बजट बना रहे हैं कि बजट टाइम में हम कितनी सेल कर देंगे, ये हमें सेल्स बजट बताता है। इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें सेल्स बजट देता है, या फिर अदर वर्ड्स में बोलें तो सेल्स बजट क्या है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी सेल्स हम करेंगे, उस चीज़ की नॉलेज हमें देता है, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें देता है। अब जो हम सेल्स बजट बना रहे हैं उसमें हम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट को भी डिटरमाइन करेंगे और अमाउंट को भी डिटरमाइन करेंगे, यानी कि इतने टाइम पीरियड में हम इतने यूनिट्स की सेल कर देंगे। जैसे कि मैंने बोला, मेरा जो सेल्स बजट है वो ये है कि मैं एक महीने के अंदर 50 यूनिट्स को सेल कर दूंगी, तो 50 यूनिट्स भी मेरा सेल्स बजट का हिस्सा हो गया। और मैं बोलूँ कि जो मेरा एक यूनिट का सेल्स प्राइस है वो रहेगा 10 रुपीज़, तो मेरा जो अमाउंट हो गया टोटल, एक महीने के अंदर 50 यूनिट्स मुझे सेल करना है और 10 रुपये एक यूनिट का प्राइस है, तो टोटल जो मेरा सेल्स अमाउंट हो गया 500 रुपीज़। तो ये भी सेल्स बजट का हिस्सा होगा कि सेल्स बजट में कितने यूनिट्स को हमें सेल करना है, ये चीज़ भी डिटरमाइन की जाती है, और कितना अमाउंट रहेगा सेल्स का, ये चीज़ भी डिटरमाइन की जाती है। प्रॉपर फोरकास्ट ऑफ सेल्स कैन बी अराइव्ड एट विद द हेल्प ऑफ मार्केट रिसर्च एंड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। कि प्रॉपर फोरकास्टिंग, अगर प्रॉपरली अनुमान लगाना है तो वो कैसे लगाया जा सकता है, मार्केट रिसर्च की हेल्प से और मॉडर्न टेक्निक्स की हेल्प से। मार्केट रिसर्च क्या करता है, कस्टमर्स की डिमांड को देखता है कि क्या कितनी कस्टमर्स की डिमांड है,
किस तरह का प्रोडक्ट कस्टमर चाहते हैं, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर चाहते हैं और किस प्राइस पर कस्टमर इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों का जब हमें पता चल जाएगा तो इजीली हम अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेल्स फिगर को डिटरमाइन कर पाएंगे कि हम इतने यूनिट्स की सेल कर लेंगे और इतना सेल प्राइस हम फिक्स कर लेते हैं। फ्यूचर सेल्स फोरकास्ट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड थ्रू मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। मार्केट रिसर्च करने के बाद और मार्केट एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कितनी सेल हमारी पॉसिबल हो सकती है। अब जब सेल बजट बनाया जा रहा है तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है पास्ट सेल, कि कितने प्रीवियस टाइम पर हमने कितनी सेल कर दी थी, मतलब जो हमारा पुराना टाइम है उसमें हमने कितनी सेल की थी। और इसके साथ साथ हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सीजनल फ्लक्चुएशंस, सीज़न के अकॉर्डिंग भी तो प्रोडक्ट के डिमांड में चेंजेस आते हैं, ट्रेड साइकिल्स, कभी जो हमारा प्रोडक्ट जो हमारा बिजनेस है वो बूम पीरियड में होता है, कभी रिसेशन पीरियड में होता है, मतलब कभी तेज़ी आ जाती है, कभी मंदी आ जाती है, इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है साथ साथ। नेक्स्ट इज़ रिपोर्ट फ्रॉम सेल्समैन। अब जो सेल्समैन है वो कस्टमर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, उसे पता है कस्टमर्स की डिमांड क्या है, क्या क्वालिटी और क्या प्राइस कस्टमर को सूट करता है। तो सेल्समैन से भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना जो सेल्स बजट है वो बनाना है। नेक्स्ट इज़ बिज़नेस कंडीशन। अब हमारे बिज़नेस की कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस विच इन्फ्लुएंस बिज़नेस एक्टिविटीज़, मतलब हमारी कैपेसिटी कितनी है, मशीन्स अवेलेबल है क्या नहीं, रॉ मटेरियल अवेलेबल है क्या नहीं, बिज़नेस में पैसा अवेलेबल, फाइनेंस है क्या नहीं, इन सब चीज़ों को भी तो ध्यान में रखते हुए अपना सेल्स बजट बनाना है। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को भी ध्यान में रखना है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले हमारे क्या स्ट्रेंथ है, कि किस तरह से हम अच्छा काम कर सकते हैं उनके कंपैरिजन में, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना सेल्स बजट डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट इज़ प्लांट कैपेसिटी। व्हाइल एस्टिमेटिंग सेल्स एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटी शुड बी केप्ट इन माइंड। अब मेरे बिजनेस में जो प्लांट लगा हुआ है वो बना सकता है एक दिन में 10 यूनिट्स, और मैंने जो अपना सेल्स बजट बना दिया उसके अकॉर्डिंग एक दिन में 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब एक दिन में 20 यूनिट मैं सेल करना चाहती हूँ, तो जितनी मेरी प्लांट की कैपेसिटी है मुझे उतना ही सेल्स बजट बनाना होगा। उससे ज़्यादा अगर सेल्स बजट या सेल्स यूनिट्स को डिटरमाइन किया तो उस बजट को अचीव नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट इज़ कंडीशन इन अदर इंडस्ट्रीज़, कि जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें क्या कंडीशन चल रही है, उनकी लेबर किस तरह से है या फिर उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसी है, उनके अकॉर्डिंग हमें अपने जो स्ट्रैटेजीज हैं जो बजट है वो बनाने होते हैं। नेक्स्ट इज़ मार्केट एनालिसिस, हमें मार्केट को एनालाइज करना है कि कस्टमर्स की डिमांड क्या है, कैसा प्रोडक्ट वो चाहते हैं, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहते हैं, किस प्राइस पर वो लोग प्रोडक्ट चाहते हैं, और रिसर्च का मतलब होता है कि कुछ इनोवेशन वो चाहते हैं। मतलब देखिए, जब भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो काफ़ी टाइम से कोई प्रोडक्ट चले जा रहा है तो कस्टमर ज़्यादा टाइम तक उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, मतलब कि कस्टमर अपनी जो डिमांड है वो स्विच ओवर कर लेंगे, यानी कि एक प्रोडक्ट से दूसरे डिमांड तक उनकी जो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर उनकी जो डिमांड है वो शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ चेंजेस कर लिए तो क्या हो जाएगा, इजीली हमारे जो कस्टमर्स हैं हम उनको अपने प्रोडक्ट पर बनाए रख पाएंगे। तो हमें मार्केट एनालिसिस करते रहना है, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग हमें चलना है और उनके अकॉर्डिंग हमें सेल्स बजट डिटरमाइन करना है। फिर है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स जैसे कि सीजनल फ्लक्चुएशन, सीज़न के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, और फिर उसके बाद है कस्टमर्स की परचेजिंग पावर, फैशन ट्रेंड, बाइंग हैबिट्स, ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है सेल्स बजट बनाते हुए। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा प्रोडक्शन बजट। अब देखिए, प्रोडक्शन बजट क्या है, कि कितने यूनिट्स का हम प्रोडक्शन करेंगे वो आता है हमारा प्रोडक्शन बजट में। प्रोडक्शन बजट इज़ द एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन
ड्यूरिंग द बजट पीरियड। बजट पीरियड क्या है वंस अगेन, कि जिस टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए हम बजट बना रहे हैं, तो पर्टिकुलर इतने टाइम में हम इतने यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे, ये आएगा हमारा प्रोडक्शन बजट में। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, कि कितने यूनिट्स का हम प्रोडक्शन करेंगे ये डिटरमाइन किया जाता है। देन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज़ एक्सप्रेस्ड इन द मनीट्री टर्म्स, और उसके बाद एक यूनिट का क्या कॉस्ट रहेगी, कितना हमें एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ेगा, ये हम प्रोडक्शन बजट में डिटरमाइन करते हैं। और जब हम जो क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मनीट्री टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन बजट से बदल कर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट हो जाएगा। प्रोडक्शन बजट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन सेल्स बजट। अब जो प्रोडक्शन बजट है ये किस पर बेस्ड है, ये सेल्स बजट पर बेस्ड है। देखिए ये दोनों ही बजट आपस में एक दूसरे पर बेस्ड हैं। जब हम सेल्स बजट बना रहे हैं तो हमें अपने प्रोडक्शन को देखना है कि कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी है, उसके अकॉर्डिंग हम सेल्स बजट बनाएंगे। और जब हम प्रोडक्शन बजट को बना रहे हैं, यानी कि ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जाए, तब उस केस में हम सेल्स बजट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कितनी सेल हम कर सकते हैं। जैसे कि एक दिन में हम 20 यूनिट्स को सेल कर सकते हैं, लेकिन हम बनाए चले जा रहे हैं एक दिन में 30 यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं उनकी सेल नहीं होगी, तो उनसे रिलेटेड हमें लॉस हो सकता है। आगे इन्होंने बोला है, प्रोडक्शन बजट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन सेल्स बजट, बट इन दोज कंपनीज इन विच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोरकास्ट सेल्स ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन फैशन एट्सेट्रा, प्रोडक्शन बजट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। यानी कि ऐसी कंपनीज जिसमें जो फैशन है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम, तो ऐसे में प्रोडक्शन बजट हमें पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाना होता है कि कितना हम पुराने टाइम में प्रोडक्शन कर रही थी। फिर है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन बजट लाइज विद द वर्क्स मैनेजर, कि जो वर्क्स मैनेजर हैं उनको उनके ऊपर प्रोडक्शन बजट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। फिर है द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड प्लानिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड इम्प्लीमेंटिंग देन परचेजिंग राइट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटिंग सेल्स बजट, कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव है, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, प्लानिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को हम प्लान करेंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, सही तरह का रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाना और सेल्स बजट को इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीज़ें हमारी प्रोडक्शन बजट का हिस्सा रहेंगी। अब जो प्रोडक्शन बजट है, ये सब जब हम प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या क्या देखना है, क्या प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कब हम प्रोडक्शन करेंगे, कितना प्रोडक्शन करेंगे और कहाँ पर हम प्रोडक्शन करेंगे, तो ये सब चीज़ें प्रोडक्शन बजट का हिस्सा रहती हैं। अब हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, सेल्स बजट, जब हम प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं तो हमें क्या देखना है, सेल्स बजट को देखना है कि हमारा सेल्स बजट कितना है। इन्वेंट्री पॉलिसी, हमें देखना है कि हमारी इन्वेंट्री पॉलिसी क्या है, यानी कि स्टॉक अवेलेबिलिटी कितनी है, स्टॉक हमें अवेलेबल हो जाता है टाइम पर या नहीं हो जाता है, स्टॉक हमारा पैरिशेबल नेचर का है, किस नेचर का है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्शन बजट बनाना है। फिर है प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, जो हमारी लेबर है या फिर जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्शन बजट बनाना है। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर्स, लेबर और मटेरियल हमें अवेलेबल, मतलब कितना रॉ मटेरियल हमें अवेलेबल होता है, कैसी लेबर हमें अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्शन बजट बनाना है। मैनेजमेंट पॉलिसी, कि मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्शन बजट बनाना है। प्रोडक्शन पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रोडक्शन बजट, इफ़ मैनेजमेंट डिसाइड्स टू परचेज अ पर्टिकुलर पार्ट पर द मार्केट इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट, इट विल इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन बजट। अगर मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर जो एक पार्ट है जो हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए चाहिए होगा, वो हम मार्केट से नहीं खरीदेंगे, वो हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये चीज़ भी प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगी। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है प्रोडक्शन बजट को बनाते हुए। नेक्स्ट जो हमारा बजट रहेगा वो है रॉ मटेरियल बजट, कि कितना रॉ मटेरियल हमें चाहिए होगा प्रोडक्शन के लिए। अब जो रॉ मटेरियल बजट है वो हमारा प्रोडक्शन बजट पर बेस्ड है, क्योंकि जितना हमने प्रोडक्शन बजट बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमें
रॉ मटेरियल बजट बनाना होगा, जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए होता है। टोटल क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ मल्टीप्लाइड विद द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ आउटपुट टू एसरटेन द टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। अब देखिए क्या बोला इन्होंने, टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाइड विद द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट को बनाने के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। जैसे कि हम कर रहे हैं 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, और एक यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के 10 यूनिट्स लगते हैं, तो टोटल कितना रॉ मटेरियल हमें चाहिए होगा। एक यूनिट के लिए 10 यूनिट रॉ मटेरियल चाहिए, तो 100 यूनिट्स के लिए कितने यूनिट्स रॉ मटेरियल चाहिए, 100 × 10 दैट इज़ 1000, तो हमें 1000 यूनिट्स रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट किया जाता है और रॉ मटेरियल बजट बनाया जाता है। दिस बजट हेल्प्स द परचेज डिपार्टमेंट इन प्लानिंग परचेजेस। अब ये जो रॉ मटेरियल बजट है ये किसको हेल्प करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट मतलब जो कि डिफरेंट जो भी हमारी थिंग्स हैं उनको परचेज करने के लिए प्लान कर रहा है, जैसे कि रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह हुआ, इक्विपमेंट्स भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग परचेज बजट। तो जो रॉ मटेरियल बजट है ये परचेज बजट बनाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल बजट है वो परचेज बजट का ही एक हिस्सा रहेगा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन बी कंट्रोल्ड विद इट्स हेल्प, कि अब जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल हम एक बार में मंगवाएंगे, वन लोट में मंगवाएंगे, उतनी रॉ मटेरियल की जो हमारी कॉस्ट है वो कम होती चली जाएगी, और जो रॉ मटेरियल बजट है हमारा वो मटेरियल कॉस्ट बजट में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज परचेज बजट। दिस बजट इज फॉर्म्ड बाय द परचेज मैनेजर आफ्टर हैविंग प्रिपेयर द रॉ मटेरियल बजट। जब रॉ मटेरियल बजट बना लिया गया तब उसके बाद परचेज बजट बनाया जाएगा। यानी कि सबसे रॉ मटेरियल बजट में हमने क्या डिसाइड किया कि कितने यूनिट्स हमें रॉ मटेरियल के चाहिए होंगे प्रोडक्शन के लिए। अब जितने यूनिट्स रॉ मटेरियल के चाहिए उतना ही हमें परचेज करना पड़ेगा। परचेज बजट प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द परचेज ऑफ मटेरियल टू बी मेड ड्यूरिंग द बजट पीरियड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस, की बजट पीरियड में हमें कितना मटेरियल परचेज करना है बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, ये चीज़ हम परचेज बजट में डिटरमाइन करते हैं। और जो परचेज बजट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्वांटिटी ऑफ एवरी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमें एक ही तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, हो सकता है हमें अलग अलग तरह का रॉ मटेरियल चाहिए हो, तो अलग अलग तरह का जो भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए उसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए, यानी कि हर एक तरह के रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए। टाइम ऑफ परचेज, कितने टाइम के बाद हमें रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। एस्टिमेट्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स टू बी परचेज्ड, कि जो हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे उसकी कॉस्ट कितनी होगी उसका हम अनुमान लगाएंगे। नेसेसरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का कितना ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, स्टॉक की कितनी हमारे पास मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए कि कम से कम इतना स्टॉक जब रखा हो तब हम और स्टॉक मंगवाने के लिए ऑर्डर लगा देंगे, या फिर मैक्सिमम हमारे पास जब इतनी क्वांटिटी होगी तब हम और स्टॉक ऑर्डर नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों को डिटरमाइन किया जाता है परचेज बजट में। और इन्होंने आगे बोला कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यूचर प्राइस ट्रेंड्स, क्रेडिट फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा, इन सब को भी ध्यान में रखना है जब हम परचेज बजट बना रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट लेबर और लेबर कॉस्ट बजट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अब तक के लिए आप इतने ही जो बजट हैं इनको अच्छे से कवर कर लीजिए, अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। तो तब तक के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का। थैंक यू।